आपसे आज मुलाकात हुई आपकी, क्या डिमांड थी एमआईएम की और क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए, जिला अधिकारी कार्यालय की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस कलेक्टर साहब की तरफ से ये एक नई शर्त लागू की गई है कि जिसके पास कोविड वैक्सीनेशन नहीं होगा उसे राशन नहीं मिलेगा, उसे गैस नहीं मिलेगी। हमारा आज ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आज की यूनिट का जो है तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से, उनके जिम्मेदारों से मुलाकात हुई। हमने सर से यही कहा है कि ये जो आपने शर्त लगाई है, जो कंडीशन लगाई है, ये सरासर गलत है। इसलिए कि वैक्सीनेशन का विरोध तो हम नहीं कर रहे, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर पदाधिकारी ने, हर नगर सेवक ने अपने अपने वार्ड में वैक्सीनेशन के कैंप लगाए हैं। हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है। हमारा कहना यही है कि अब अनकरीब रमज़ान है, रमज़ान के पेश नज़र जो है तो लोग अपने घरों में स्टोरेज करते हैं अनाज को लेकर, या फिर किसी और धर्म का आदमी हो, खाने के लिए हर कोई राशन दुकान पर पहुँचता है। अगर ये शर्त लगा देंगे तो गरीब जो है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे इसके अंदर। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आपको वाकई अपना परसेंटेज बढ़ाना है वैक्सीनेशन को लेकर, तो आपने जो है तो पेट्रोल पंप पर तो वैक्सीनेशन का कैंप लगाया है, लेकिन अगर लोगों को खाना, राशन दुकानों के पास अगर आप वैक्सीनेशन का कैंप लगाते हैं तो इसमें दोनों काम आसानी से हो जाएंगे। एक तरफ वैक्सीनेशन का परसेंटेज बढ़ेगा, दूसरे जो है तो लोगों को राशन वक्त पर मिला करेगा। तो यही डिमांड लेकर आज जो है तो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर और जो है तो डिप्टी कलेक्टर वगैरह ऑफिसर से मुलाकात हुई। उन्होंने इस सिलसिले में आइंदा एक दो दिन के अंदर मीटिंग लेकर जो है तो कोई फैसला करने का आश्वासन दिया है। साथ ही लोगों से उन्होंने भी आह्वान किया है, और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम पदाधिकारियों की तरफ से ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है तो वैक्सीनेशन लें, ताकि हम जो है तो कोरोना से अपने आप को बचा सकें, अपने अफराज खानदान को बचा सकें। अगले महीने रमज़ान शुरू हो रहे हैं, तो इस पर अगला कदम क्या है एमआईएम का? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके में हमेशा ये कोशिश होती आई है कि जब भी किसी धर्म का कोई महोत्सव होता है, धार्मिक प्रोग्राम होता है, तो शहर में मूलभूत सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जनता को देने की कोशिश की जाती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अनकरीब जो है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इन तमाम लोगों के ज़रिए जनता को जो जो मूलभूत सुविधाएँ मिलती है, हम चाहते हैं कि माह रमज़ान जो बड़ा मुक़दस और पवित्र महीना है मुसलमानों में, उसके शुरू होने से पहले शहर में ज़्यादा से ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए, शहर के गड्ढे जो है उनको बंद किया जाए, शहरियान को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की फराहमी की जाए, और ये जो राशन सप्लाई का मामला है, हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो DSO ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस, ये रमज़ान से पहले पहले तमाम राशन दुकानों पर एक बड़ी तादाद में जो है तो राशन पहुँचाए, ताकि लोग रमज़ान से पहले अपने घरों में राशन भर सके। और आम तौर पर जो है तो 10 दिन में, 8 दिन में एक मरतबा पानी आता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अनकरीब जो है तो म्यूनसिपल कमिश्नर से, एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से नुमाइंदगी करके कम से कम 4 दिन में एक मरतबा जो है तो पानी प्रोवाइड करने का ये डिमांड करने वाली है, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको संजीदगी से लेगा। इसलिए कि जैसे शहर में दूसरे धर्म उत्सव के मौके पर मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, लोगों को दी जाती है, हम चाहते हैं कि रमज़ान में भी, रमज़ान शुरू होने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई कार्रवाई करे। लेकिन मुझे क्योंकि ये डिसीजन साहब ने ठीक है, बट आप एक जनता का जो है